भाई साहब। जी भाई जी। भाई साहब जरा इसका टायर तो बदल दो। अभी? हाँ। भाई साहब जी जरा इसे भी खोल के देख लेना, कई बार सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होता है। जी अभी कर देता हूँ। हाँ ले लो सर, ले लो रंग बिरंगी ओढ़नी। साची कहूँ बिंदनी वास्ते लेकर तो देखो, खुश हो जावेगी थारी बिंदनी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। ओढ़नी देखते से ही थारे पे इतना प्यार लटावेगी, हमें याद कर करके आशीष दोगे सा। और वैसे भी मारी ये ओढ़नी ना पति पत्नी के बीच कोई भी झगड़ा कर ले होवे, मारी ओढ़नी सब दूर कर देवे। दुकान से आधे भाव में लगा दूंगी। नहीं नहीं जी। छोड़ दीजिए। सुनिए आप चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं संध्या, मुझे भूख नहीं है। भाभी वो सूरज सा के धोने वाले कपड़े चाहिए थे। हाँ चतुरी मैं देता हूँ। कल रात मेरी बोली बातें शायद इन्हें बहुत बुरी लगी। इन्हें क्यों इतना कुछ सुना दिया मैंने? इसमें इनका तो कोई दोष ही नहीं था, बल्कि इन्होंने तो हर बार हर मुश्किल में मेरी मदद ही की है। लौट कर आएंगे तो इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। बेटो तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? तेरी अंग्रेजी की परीक्षा है ना? सूरज भैया सब पढ़ भी लिया और ठीक से समझ भी लिया। शाबाश। अपना तुझसे अकेले से ग्राहक संभल गया फिर भगा दिया आधे। जी भैया संभाल लिया था, कोई परेशानी भी नहीं हुई। सूरज भैया अगर अकेले होते ना तो आधे नहीं पूरे ही ग्राहक भगा डालते, लेकिन इनके साथ मेरी फूटरी फूटरी चतुर चतुर्सी भाभी सा जो थी। भाभी सा? मतलब भाभी साहब कहाँ? सूरज भैया आज तो कमाल कर गई भाभी साहब, सारे ग्राहकों को छटाक से संभालना सीख गई। और पता है सूरज भैया, साथ साथ में टेबल साफ करना, मिठाइयाँ तोलना और पैसे लेना, एक अकेली चार पर भारी पड़े ऐसे संभाल रही थी वो सब कुछ। अब मैंने और पप्पूड़ा ने तो मना भी किया लेकिन वो मानी ही नहीं, कहने लगी कि अपना ही तो काम है, इसे करने में क्या परेशानी। सूरज भैया अगर आप देखते तो बस आप उनकी पीठ थपथपा देते और उनको पाव किलो जलेबी खिलाते अलग। सूरज भैया एक बार गले में तो देख लो कि आज कितने पैसे हैं। और सूरज भैया वो अंग्रेजी का सवाल जो मुझे कभी समझना है, वो तो भाभी साहब ने मुझे 2 मिनट में ऐसा समझाया कि मैं कभी ना भूलूंगा। सूरज भैया एक बात बताऊं, बहुत अपनापन है भाभी साहब में, और वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। और आप हो इसीलिए उनके लिए हम हैं, तो पूरी दुकान है। संध्या जी आप दुकान पर आई, वहां पे इतना सारा काम किया आपने, क्या क्या जरूरत थी उसकी?
ये क्या बात हुई, आप नहीं थे वहाँ? और पप्पू जी अकेले कैसे इतना सब कुछ संभालते? इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए थे और ग्राहक भी एक जाता नहीं था कि दूसरा पहले ही आ जाता था। सच, मैंने आज तक आपकी तारीफ ही सुनी थी और आज देख भी लिया कि कैसे आपने पूरे पुष्कर को अपनी मिठाइयों की मिठास से बांध रखा है। और आपकी जलेबियाँ, उनके तो लोग पागल हैं। ये अखबार से लिफाफे बनाए हैं मैंने दुकान के लिए। आप पहली बार बनाए हैं, पता नहीं आपको कैसे चाहिए होते हैं। आप एक बार देख लीजिए। बड़ी बीननी, थोड़ा आसमान से नीचे आ सको, धरती पर तो आ जाओ। आपकी सहेली को फोन आयो है। मैं अभी आती हूँ। कल इतना कुछ होने के बाद फिर भी ये सब अपना पन। बीननीसा, अपनी सहेली ने समझा दिए कि इतनी रात गए किसी के घर में फोन ना क्या करें, समझी? जी, कह दूंगी। हेलो, सॉरी संध्या, बहुत लेट फोन किया मैंने। वो मैं तेरे आंसर का वेट कर रही थी और फिर मुझे लगा कि जब तक पूछूंगी नहीं तू तो बताएगी ही नहीं। तो क्या डिसाइड किया तूने? तैयार है ना तू? डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया तूने? नहीं प्रीति, ना किए है और ना ही कर पाऊंगी। मैंने बहुत सोचा प्रीति और यही समझा है कि अब यही मेरा घर है, मेरी दुनिया है। मानती हूं कि अभी मेरी इस दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर सिर्फ इस वजह से तो मैं इस दुनिया से नहीं भाग सकती ना। तूने मुझे संध्या कोठारी बनने के लिए कहा था ना, तो संध्या कोठारी अपनी परीक्षा से कैसे छुप कर भाग सकती है? संध्या, परीक्षा वो होती है जहाँ पे मेहनत करने पे तुझे कामयाबी मिले, लेकिन यहाँ तू जो कुछ भी कर ले, लोग तेरी मार्कशीट पे सिर्फ फेल ही लिखेंगे। दुनिया की बात कर रही है तू? पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू उन कमजोर औरतों की तरह बात मत कर। तो कभी किसी खराब शादी में फंस जाए तो खुद निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। ये पिछड़ी सोच कैसे हो सकती है तेरी? अब अंकल आंटी से क्या यही सीखा है तूने? प्रीति, जो मम्मी पापा से सीखा है मैंने, वही तो निभाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मम्मी पापा ने मुझे भागना नहीं, सामना करना सिखाया है और वही करूंगी मैं। ये तो संध्या जी वाला कागज है।
तूने मुझे रिश्तों में एडजस्ट करना सिखाया, कमिटमेंट का मतलब सिखाया, और अपने उसी कमिटमेंट को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। संस्कार मिले हैं मुझे, उनका मतलब समझा है मैंने। रिश्ते टूटने के लिए नहीं, निभाने के लिए जुड़ते हैं। अमित जी का ट्रांसफर जयपुर हो गया है, बस एक दो दिन में निकलना होगा हमें। अब तो मैं भी यहाँ पर तेरे साथ नहीं हूँ संध्या। I just hope कि तूने सोच समझ कर ये फैसला लिया। हाँ प्रीति, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये डिसाइड किया है। प्रीति, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद हम कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे तलाक नहीं चाहिए और अब ये बदलेगा नहीं। रखती हूँ, ध्यान रखना अपना।
सूरज जी, बिस्तर मैं लगा देती हूँ। नहीं, अब रहने दीजिए, मैं लगा लूंगा। और औषध विभाग से लेटर आया है, ये फॉर्म भरना है और हमारी मिठाइयों के कुछ सैंपल्स नमूने यहाँ जमा करवाने हैं। आप सुन रहे हैं ना? अब रख दीजिए, मैं देख लूंगा। तक गई नहीं है। मारे पंख की तू परवाज पिया, हारो हारो मिलन सो लागर साथी जैसो दिया। और बाती हो दिया और बाती के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।